हेलो फ्रेंड्स, जायका विद रजनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि वेज सीजलर कैसे बना सकते हैं हम घर पर। ये देखिए वेज सीजलर की ट्रे, मेरे पास वेज सीजलर की ट्रे है। अगर आपके पास वेज सीजलर की ट्रे ना हो तो इसके बिना हम घर पे कैसे वेज सीजलर घर पर बना सकते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फ्रेंड्स, मैंने ये सीजलर प्लेट में डेकोरेट करने के लिए पत्ता गोभी को डिप करके रख रखा है पानी और विनेगर में। इसे 2 घंटे पहले ही मैंने भिजो के रख दिया था। आइए हम बनाते हैं फ्राइड राइस। फ्राइड राइस के लिए हम लेंगे लहसुन, ले लेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा हम बंद गोभी ले लेंगे, थोड़ी सी मैंने यहाँ शिमला मिर्च ली है हरी वाली। मेरे पास येलो भी थी इसलिए मैंने येलो भी ले ली। अगर आपके पास हो तो येलो वाली आप यूज़ ले सकते हो, नहीं हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें थोड़ी सी कुटी हुई हरी मिर्च लेंगे, थोड़ी सी हमने कॉर्न ले लिया, थोड़े से इसमें पनीर ले लिया, थोड़ी हमने गाजर ले ली और थोड़ी ब्रोकली ले ली, थोड़ी हमने प्याज ली है। ये ब्लांच बीन्स लिए हैं, इसे मैंने थोड़ा सा पानी में बॉईल करके और नमक में सॉटे किया है थोड़ा सा। ये मैंने बॉयल्ड राइस लिए, ये मैंने 2 तरह के राइस लिए हैं, येलो और वाइट। आप चाहो तो और भी कलर के राइस यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये पॉट लिया है, इसे गैस पर रख दिया है और अब हम इस पर 2 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी लहसुन डाल देंगे, इसे थोड़ा सा रोस्ट हल्का सा चलाएंगे। अब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल देंगे, इसे अब इसमें प्याज डाल देंगे। अब इसे चलाएंगे, ये थोड़ा सा सॉटे हो जाए प्याज तो हम इसमें सारी सब्जी डाल देंगे, क्योंकि चाइनीज आइटम में ज़्यादा सब्जी को पकाते नहीं हैं, इसे मुंह में आती है तो ही टेस्ट आता है इसको। इसको हल्का सा गुलाबी करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे। अब इसमें हम सारी सब्जी डाल देंगे, अब इसको चलाएंगे हम। आज हमेशा तेज रखनी चाहिए चाइनीज आइटम में ताकि ये जल्दी से पक जाए। मैंने ये 3-4 चम्मच नमक डाला है और आप चाहो तो अपने स्वाद के अनुसार इसे कम या बढ़ा सकते हो नमक को। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे, इसमें पनीर सिंपल डाला है, आप चाहो तो इसे फ्राइड करके भी डाल सकते हो। हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून सोया सॉस डाल देंगे। हम इसमें 1/2 स्पून विनेगर ऐड करेंगे और अगर इसमें ज्यादा खट्टा चाहते हो तो आप और विनेगर डाल सकते हो। सेजवान चटनी मैंने घर पर बनाई है तो 2 चम्मच सेजवान चटनी मैं इसमें ऐड करूंगी। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। फ्राइड राइस तैयार है, अब हम चिली पनीर की तैयारी करते हैं। ये हमने पनीर लिए हैं और इसे क्यूब्स में काट दिए हैं। ये हमने कढ़ाई ली है, उसमें हमने तेल डाल दिया ताकि जब तक तेल गर्म हो तब तक हम अपनी पनीर के लिए स्टफिंग तैयार कर सके। इसमें 4 चम्मच मैदा लेंगे, इसमें थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स डाल देंगे, थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल देंगे। अब हम इसमें 1/4 स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, आप चाहो तो इसे अपने स्वाद के अनुसार बड़ा या घटा सकते हो। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्स करेंगे और इसका मिक्सर ऐसे बनाएंगे जैसे पकोड़े का घोल बनाया जाता है। मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने इसमें हरी मिर्ची ऐड की है, तो मैंने अब इसमें हरी मिर्ची ऐड कर ली है।
इसे रैप करेंगे और फिर इसे यहाँ पे ऐसे रख देंगे। ऐसे ही हम दूसरे पनीर को भी ऐसे ही करेंगे। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर लगा के थोड़ा सा और इसे यहाँ पे साइड में रख देंगे। इसी तरह हम सारे पनीर को कर देंगे। ये मेरी फ्रेंच फ्राइज़ है, इसे मैंने आलू को पहले काट के और थोड़ा सा ब्लांच कर लिया था और फिर मैंने इसे हरियाली होने के लिए रख दिया। थोड़ी देर जब हरियाली हो गया तो मैंने इस पर कॉर्नफ्लोर लगा के रख दिया लगा दिया है। अब इसे मैं गैस पे तल लूँगी। ये लीजिए हमारे फ्रेंच फ्राइज तल के तैयार हो गए हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। अब हम इसमें पनीर तलने के लिए डाल देंगे। इसको हम ज्यादा ब्राउन नहीं तलेंगे। ये पिज्जे फिर रख रही हूँ गर्म होने के लिए गैस में, क्योंकि फिर गर्म होने में 20-25 मिनट लग जाते हैं। तो हमारा चिली पनीर बन गया है, तो हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। मैं चिली पनीर की ग्रेवी बना रही हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा सा गार्लिक ऐड करूँगी जो मैंने चॉप किया हुआ है, और थोड़ा सा मैं जिंजर ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह भून लूँगी। और साथ में थोड़ी सी मैंने कूटी हुई मिर्ची डाली है। इस मिर्ची को मैंने कूट रखा है। लहसुन थोड़ा रंग आ जाए तब तक हम इसे भूनेंगे। मैंने चिल्ली गार्लिक के लिए मैंने कैप्सिकम के क्यूब्स लिए हैं और मैंने येलो कैप्सिकम के क्यूब्स लिए हैं। अगर आपके पास येलो नहीं हो तो आप ग्रीन कैप्सिकम ही चला सकते हैं। और मैंने ऑनियन के भी क्यूब्स में काटे हैं इस तरह से। हम सबसे पहले इसको लाल नहीं करेंगे ताकि इसमें क्रंची टेस्ट आए। हमें इसे चाइनीज आइटम में हमें इसे पकानी नहीं होती है, थोड़ा क्रंची रखना होता है। तो हम इसे हल्का सा गुलाबी होने तक रोस्ट करेंगे। साथ में हम ग्रीन कैप्सिकम और येलो कैप्सिकम दोनों डाल देंगे। हमारी कुकिंग थोड़ा फास्ट हो तो हम इसके अंदर करीब आधा चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे। मैं सेंधा नमक यूज करती हूँ। हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे एंड 1/4 टीस्पून हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे। तो अच्छी तरह चलाएंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डालेंगे कलर के लिए। लाल मिर्च पीस के रखी है तो मैंने इसको गर्म पानी में भिगो दिया था और इसका पेस्ट बना लिया है। तो मैं 2 चम्मच इसमें चिली पेस्ट डालूंगी।
और 2 चम्मच सेजवान सॉस डालूंगी जो मैंने घर पे बनाया था। इसमें 2 चम्मच मैं सॉस ऐड करूंगी। आप अपने स्वाद अनुसार सॉस घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। ये पनीर के क्यूब्स ऐड कर दूंगी। मैं 2 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है, हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसका लिक्विड सा गोल बनाएंगे। ताकि इसकी ग्रेवी थिक हो सके। ये हमारा गोल इस तरह से बनाएंगे। इस गोल को ऐड करेंगे। अब थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे ताकि इसकी अच्छी ग्रेवी बन जाए। तो हमें चिल्ली पनीर तैयार हो चुका है। हम सबको असेंबल करते हैं अपनी सीजलर प्लेट में। तो हमारी प्लेट गर्म हो चुकी है, हम गैस बंद करते हैं। तो हम हमेशा ट्रे के अंदर थोड़ा पानी ऐड करते हैं ताकि हमारा नीचे का बेस जल ना सके और इसमें एक धुआं आ जाए। अब हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर आपको सीजलर प्लेट ना हो तो हम तवा यूज़ कर सकते हैं। तवे को गर्म कर किसी एक वुड में डाल करके यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसमें राइस डालते हैं। थोड़ा इसमें चिल्ली पनीर ऐड करते हैं। थोड़े से हम इसके अंदर ग्रेवी ऐड करेंगे साइड में। हमने जो फ्रेंच फ्राइज बनाई थी ये इसके ऊपर रख देंगे। थोड़ी सी इसमें और ग्रेवी डाल देंगे। हमारी वेज सीजलर तैयार है। प्लीज आप अपने कमेंट शेयर कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप जरूर ट्राई कीजिए।